हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? तो भाई आई होप कि भाई सारे बढ़िया होंगे। भाई अभी की जो ये एरिया है, ये जो मैं बताऊं आपको भाई, ये ग्रू द्रोणाचार्य है। ये भाई किसी भाई ने कमेंट में बताया था कि भाई यहाँ पे कुछ लोग रात में जो भी है, जो मेरे को भाई फॉलो करते हैं और मेरी वीडियो देख के उनको पता ही होगा। तो भाई किसी भाई ने बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग रात में तेरी गतिविधि जो भी है वो स्टार्ट रहती है। भाई आज इसी जगह पे मैं फाइनली आ चुका हूँ। रात के भाई ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। तो भाई चलते हैं, बाकी चीज़ें भाई जगह पे चल के वहाँ चल के देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो में बने रहना और जो भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप ये देख रहे हो सामने, तो भाई यहाँ पे ये है भाई बियर, मतलब ठेका एक तरीके का। और भाई साइड में अगर आप देखोगे तो ये रोड, अगर इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई मेरे ये जो प्लेस है ये गुड़गांव का प्लेस है और ये गुरु द्रोणाचार्य है। तो आ जाओ आगे चलते हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि भाई मतलब ये जो एक लड़की है वो ऑटो में बैठी है, पास लेके चलता हूँ आपको। तो भाई आप यहाँ देखो, ये लड़की ऑटो में बैठी हुई है और ये बाइक वाला बगल में इससे कुछ बात कर रहा है। तो किस तरह की बातचीत हो सकती है, क्या हो सकती है वो पता है। और ये देखो जस्ट अभी बाहर निकली है। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा एनवायरनमेंट था और ये आप जैसे किसी भाई ने भाई मेरे को रिकमेंड किया था। तो भाई ऐसे कुछ प्लेस होता है तो आप लोग रिकमेंड भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ये अभी निकल गया है यहाँ से और उस साइड भी चलेंगे। सामने भी भाई 3-4 है वहाँ पे भी, और बाकी इस साइड आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। तो भाई आप यहाँ पर देखो, अभी एक सेकंड लड़की थी और अभी ये एक दूसरी लड़की है। और यहाँ देखो आप कि यहाँ पे किस तरीके से ये मतलब एक तरीके से ओपनली यहाँ पे 3-4 एक साथ खड़ी हैं और बाइक वाले लोग बात जो हैं इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसे एनवायरनमेंट है यहाँ पे। और एक चीज़ और जो देखने को मिली कि भाई इनके साथ ना मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बात भी हैं जो भाई इनके सपोर्टर भी हैं, जो मुझे एहसास हुआ थोड़ा सा। बाकी इनके साथ वैसे भी होते ही हैं भाई, मैं वैसे भी अपनी कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। और ये सामने देखो आप कि भाई सामने यहाँ पे ये कुछ डिस्कस कर रही थी अभी इस ऑटो वाले, इस ऑटो में एक आदमी बैठा हुआ है। और ये अब इधर, और इस साइड का जो भाई ये एरिया है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे 3-4 लड़कियाँ खड़ी हैं और कुछ बातें यहाँ पे भी चल रही हैं। तो भाई ऐसा ही एनवायरनमेंट है यहाँ पे, खुलेआम ओपनली जो भी चल रहा है भाई। और ये भाई बिल्कुल पॉश एरिया है और बिल्कुल बगल में सारी चीज़ें होने के बावजूद ये सब चीज़ें ओपनली हैं। और यहाँ पे भी देखो, दो यहाँ पे भी खड़े हुए हैं। तो आ जाओ आप चलते हैं उस साइड, रोड के उस साइड, और उस साइड चल के उस साइड का व्यू देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, कैसे लोग हैं। यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, आगे चलते हैं थोड़ा। तो यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा कि कुछ बात कर रहा है ये जो शख्स है यहाँ पे खड़ा हुआ। और यहाँ पे देखो ये एक लड़की है वो उस बाइक वाले के पास जा रही है। तो भाई यहाँ पे दो ही हैं ये, और उस साइड 4-5 थे। तो ये आप देख रहे हो सामने। तो मेरे भाई मैंने इनसे एक लोगों से कुछ पूछा था, तो भाई एक तो इन लोगों की भाई वॉइस ऐसी इतनी इरिटेटिंग होती है कि भाई ये बहुत ही उल्टे तरीके से जवाब देते हैं। तो भाई बाकी आप लोग देख लेना क्या कैसा है क्या नहीं है। थोड़ा और पास लेके चलता हूँ आपको। यहाँ से देखो, ये देखो भाई ओपनली ये दोनों इनसे कुछ बात कर रही हैं और ये पीछे वाला कुछ और ही बात कर रहा है। सो
भाई आई होप कि भाई वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। और भाई ये जो एरिया है, ये भाई मैं आपको बताऊं, मैं अपनी कई वीडियो में जो पुराने फॉलोवर्स होंगे उनको पता होगा कि भाई ये जो लोग होते हैं ये काफ़ी डेंजर होते हैं, और मैं कभी भी भाई ऐसी जगह पे जाने के लिए किसी को रेकमेंड नहीं करता। वो लास्ट चॉइस आप लोगों की होती है, क्योंकि भाई इनके साथ इनकी पूरी गैंग और पूरा एनवायरनमेंट होता है इनके साथ। तो आप लोगों ने देखा क्या एनवायरनमेंट था, क्या था। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर ऑल, बाय।